जनपद रुद्रप्रयाग में ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे 58 पर नरकोटा में निर्माणाधीन 60 करोड़ लागत वाला सिग्नेचर पुल अचानक ढह गया। गनीमत यह रही कि दौरान यहां काम कर रहे सभी मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं, किसी तरह की कोई जान माल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग के नरकोटा के समीप NH-58 पर बन रहे नए तरीके के इस पुल ने कार्यदायी संस्था राष्ट्रीय राजमार्ग विभाग के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। सूचना मिलने पर जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार के साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। वहीं स्थानीय लोगों ने कार्यदायी संस्था द्वारा घोर अनियमितताएं और कंपनी पर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। रुद्रप्रयाग से सतपाल नेगी की रिपोर्ट। आज राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर नरकोटा में जो है ये जो ब्रिज बना था ये क्षतिग्रस्त हो गया है। इसमें जो है राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की और कार्यदायी संस्था RCC की घोर लापरवाही है, और जिसका खामियाजा आज जो है कि पूरी चमोली और रुद्रप्रयाग की जनता को और एवं देवस्थान पर आने वाले तीर्थयात्रियों को भुगतना पड़ेगा। उम्मीद ये थी कि ये पुल समय पर पूरा हो जाएगा, पर यह पुल निर्माण होने से पहले ही ध्वस्त हो गया है। इसमें कार्यदायी संस्था और NH की घोर लापरवाही और इनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाने की, और कंपनी को जो है हम तो ये चाहते हैं कि कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया जाए। NHAI द्वारा जो ये निर्माणाधीन पुल है जो उत्तराखंड का प्रथम सिग्नेचर ब्रिज है, वो 4:15 पर रुद्रप्रयाग की साइड से ये पूरा ब्रिज टूट चुका है। और इसमें क्या है कि जो निर्माणदायी संस्था है उसके द्वारा यहाँ पर जो निर्माण किया जा रहा है विगत 3 वर्षों से, उसमें कई दफ़े लापरवाहियाँ हुई हैं। पहले भी ब्रिज का जो निर्माण था वो टूटा है, यहाँ पर कैजुअल्टियाँ हुई हैं, तो NHAI इस कंपनी को हटा के दूसरी कंपनी को निर्माण नहीं दे रही है। ये कहीं ना कहीं सोचने की बात है कि जिस कंपनी द्वारा विगत 3 वर्षों से कई दफ़े लापरवाहियों का नतीजा देखा गया है कि जो श्रमिक हैं उन्होंने अपनी जान गंवाई है, तब भी इसी कंपनी को काम दिया जा रहा है, ना ही इस निर्माण कार्य की निगरानी की जा रही है।